लाइगर से उम्मीद थी लगातार फ्लॉप्स की मार झेल रहे बॉलीवुड के लिए एक राहत लेकर आएगी। साथ ही विजय देवरकोंडा की पॉपुलैरिटी को देखते हुए माना जा रहा था कि पूरे भारत में फिल्म छा जाएगी, लेकिन जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक इस पर पानी फिर गया है। विजय देवरकोंडा की फिल्म लाइगर सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। ये एक पैन इंडिया फिल्म है जिसे हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज किया गया। अब इस फिल्म को लेकर जो रिव्यू और बिजनेस के आंकड़े आए हैं वे निराश करते हैं। डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ की लाइगर एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है। इसमें विजय देवरकोंडा ने एक बॉक्सर की भूमिका निभाई है। विजय का किरदार लाइगर बॉक्सिंग में चैंपियन है, लेकिन जबान से लड़खड़ाता है, उसे हकलाने की दिक्कत है। फिल्म में अनन्या पांडे हैं लाइगर की प्रेमिका। इस फिल्म के साथ विजय देवरकोंडा ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया है। 2500 स्क्रीन्स पर इसे रिलीज किया गया, लेकिन बड़े बड़े बालों वाला ये हीरो निराश करता है। हीरोइन के बारे में पहले से कहा जा रहा था कि वो हर मामले में सपाट है। करण जौहर ने इसे बनाया है। रही बात माइक टायसन की, तो राइटर डायरेक्टर ने पूर्व वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन को एक कॉमेडियन बना के रख दिया है। अगर साउथ को बॉलीवुड के साथ मिलकर ऐसी ही फिल्में बनानी है तो उन्हें तत्काल हिंदी फिल्म वालों से दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि इस क्रॉस ब्रीड में उनके सिनेमा का बुरा हश्र होगा। लाइगर फिल्म के हीरो का नाम है, उसकी माँ रम्या कृष्णन ने रखा है। माँ बताती है कि उसके बेटे का पिता बाप जैसा बहादुर था, शूरवीर इंसान था, मिक्स मार्शल आर्ट्स का चैंपियन है। माँ बेटे को बाप जैसा बनाना चाहती है और उसे सही ट्रेनिंग देने के लिए बनारस से मुंबई लेकर आई है। उसने सड़क किनारे चाय बेचकर बेटे को मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियन बनने लायक बनाया है। मुंबई में उसे ट्रेनिंग सेंटर में भर्ती कराती है। कोच और माँ लाइगर से कहते हैं उसे सिर्फ मिक्स मार्शल आर्ट पर फोकस करना है, लड़कियों पर नहीं करना है, लेकिन रास्ते में आ जाती है तान्या। लाइगर इंडिया में मिक्स मार्शल आर्ट का चैंपियन बनने के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका जाता है और वहाँ कहानी पूरी तरह बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। राइटर डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने ना फिल्म लिखने के स्तर पर दिमाग लगाया है, ना ही निर्देशन के स्तर पर। तमाम दृश्य बेहद कमजोर ढंग से लिखे और रचे गए हैं। डायलॉग्स में भी दम नहीं लगता है, लॉजिक तो मत ही ढूंढिएगा। लाइगर और अनन्या की लव स्टोरी मजाक जैसी चलती है। हीरो सिर्फ हकलाता है और यही उसकी एक्टिंग है। अनन्या को देखकर लगेगा ही नहीं कि ये कोई एक्ट्रेस है, लिहाजा एक्टिंग की उम्मीद तो दूर की बात है। बेहद निराशाजनक रिएक्शन के चलते फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर आंकड़ों पर असर पड़ना लाजमी है। रिपोर्ट्स की माने तो सभी भाषाओं में 21 से 23 करोड़ का कलेक्शन किया है और उसमें भी तेलुगु में ही सबसे ज्यादा रहा है। हिंदी में फिल्म फिसलती रही है। प्रमोशन की वजह से इसे बढ़िया एडवांस बुकिंग तो मिल गई थी, लेकिन जिन्होंने करवाई थी उन्हें पछतावे के सिवा तो कुछ नहीं मिला। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि फिल्म को जबरदस्ती टारगेट किया जा रहा है, लेकिन इतनी कमजोर कहानी ओवर एक्टिंग को देखकर ये बात सही नहीं लगती। फिल्म को सहना एक सजा की तरह माना जा रहा है। कुछ भी परोस देने का फॉर्मूला अब नहीं चलता। ना जबरीले बालों वाला साउथ का हीरो, ना दशकों से सुपरस्टार समझने वाले नॉर्थ के, ना पापा की परी टाइप एक्ट्रेस। लाइगर इतनी बुरी तरह डीरेल हुई है कि मेकर्स को एक मंथन शिविर रखना चाहिए कि इसे बनाया क्यों गया था। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।